वेलकम बैक टू चैनल भारतीय विचार। ईपीएस प्रथम ईपीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग मंडे 18 मार्च को होने वाली है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो काफी बेहतर दिख रही है फाइनेंशियली। इसका नेटवर्थ हो गया, रेवेन्यू, एसेट एंड प्रॉफिट सब काफी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। काफी अच्छा इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, काफी शानदार है। यहाँ पर देखेंगे तो आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 45.10 है, आरओसीई 24.81 है, रिटर्न ऑफ नेटवर्क 22.55 है, काफी अच्छा दिख रही है। पीई 12.72 है, काफी ठीक ठाक ही दिख रही है। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो एक कंपनी 2014 में स्थापित हुई थी एंड ए गैस पाइपलाइन एंड वाटर पाइपलाइन एंड ऑफशोर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, काफी अच्छे से हैंडल करता है एंड इसके साथ साथ वेल्डिंग का भी काम करता है, टेस्टिंग एंड कमीशन का भी काम करता है। तो बिजनेस कहीं ना कहीं अच्छा ही दिख रही है, फाइनेंशियली भी अच्छा दिख रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है कि उनका जीएमपी लिस्टिंग गेन वाले दिन ही, लिस्टिंग दिन के दिन ही क्यों अचानक से जीएमपी धड़धड़ा करके गिरते हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा गया है, फाइनेंशियली भी ठीक दिख रही है, बिजनेस मॉडल भी ठीक दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन भी काफी अच्छा गया है। रिटेल इन्वेस्टर में 179.48 गुना भरा, नॉन इंस्टीट्यूशनल बार की कैटेगरी में 320.53 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन में 70.28 गुना भरा, टोटल सब्सक्रिप्शन 178.54 गुना हुआ है, काफी अच्छा है। आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, फाइनेंशियली भी ठीक दिख रही है, बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है। जीएमपी की बात करें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग 46.67% प्रीमियम के साथ ₹35 पर हुई, कट ऑफ प्राइस 75 है एंड बढ़ करके इसकी जीएमपी ₹95 तक भी पहुंच चुकी थी जो कि 126.67% की बेनिफिट दे रही थी। लेकिन जैसे इस आईपीओ का ओपनिंग हुआ इसकी जीएमपी में गिरावट जारी हुआ एंड गिर करके जिस दिन इस आईपीओ का क्लोजिंग डेट था उस दिन इसकी जीएमपी 33% ही रह गई एंड थोड़ा बहुत आज के तारीख में इसकी जीएमपी में थोड़ा सा उछाल देखने के लिए मिला, 25 से 26 रुपया गया है एंड आज के तारीख में इसकी जीएमपी जो चल रही है 34.67% प्रीमियम के साथ, इसकी जीएमपी ₹26 है, अनलिस्टेड मार्केट में 101 पर ट्रेड कर रही है। कल भी इसकी जीएमपी में तेजी से गिरावट देखने के लिए मिलेगा क्योंकि अभी जो आईपीओ जितने भी लिस्ट हो रही है लिस्टिंग के दिन वाले जिस दिन लिस्ट होने वाली है उस दिन जीएमपी में अचानक से गिरावट देखने के लिए मिल जा रही है, तो मे भी इसकी भी जीएमपी में गिरावट हो सकती है। कितना गिरेगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है, 80% भी जीएमपी गिर जा रही है एंड 70% इस तरीके से बड़ी गिरावट हो जा रही है, तो निवेशकों को बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है एंड निराशा भी काफी ज्यादा हो रही है। 100% के ऊपर जीएमपी चल रही है, लिस्टिंग गेन वाले दिन 33% 30% दे रहे हैं, जिसका 30% चल रहे है उसकी निगेटिव लिस्टिंग हो जा रही है, तो बहुत बड़ी गैम्बलिंग हो रही है निवेशकों के साथ। सब कुछ डेटा अच्छा दिख रही है, फाइनेंशियली अच्छा दिख रही है, बिजनेस अच्छा दिख रही है, जीएमपी भी अच्छा दिख रही है, लेकिन लिस्टिंग नेगेटिव मिल रही है या फिर मिल रही है थोड़ा सा प्रॉफिट के साथ लिस्टिंग हो रही है तो निवेशकों के साथ धोखा हो रही है। तो अभी यहाँ पर देखें तो 34.66% बेनिफिट दे रही है अपने निवेशकों को, लेकिन लिस्टिंग गेन वाले दिन में भी इसकी जीएमपी में गिरावट हो तो हम लोग इसकी लिस्टिंग का जो अंदाजा लगाएंगे 15% से लेकर के इसकी लिस्टिंग 40% 45% के रेंज में होना चाहिए। अगर इसमें अभी 20% का भी और भी जीएमपी गिरती है तो 14-15% प्रीमियम के साथ ही आईपीओ लिस्ट होनी चाहिए एंड अपर साइड में अगर थोड़ा बहुत एड भी होती है तो 40-45.50% का यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं, समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।